वहीं रात में भी इसराइल ने गाजा पर हमले किए। इसराइल ने 400 से ज्यादा हमास आतंकी मार गिराए हैं। 2300 से ज्यादा आतंकी यहां पर घायल होने की खबर है। वहीं लगातार ये जंग एस्केलेट होती जा रही है। इसराइल ने 400 से ज्यादा हमास आतंकी यहां पर मार गिराए हैं। 2300 से ज्यादा आतंकी घायल होने की भी खबर। लगातार ये जंग तेज होती जा रही है। आपको बताएं कि रात में भी इसराइल ने गाजा पर लगातार हमले दागे हैं। इसराइल ने 400 से ज्यादा हमास आतंकी यहां पर मार गिराए हैं और साथ ही 2300 से ज्यादा आतंकी यहां पर घायल होने की भी खबर है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए अमेरिका से, उनसे और जानकारी लेंगे। अभिषेक, ताजा हालात क्या है? हम देख रहे हैं कि रात भर भी यहाँ पर हमले चले, लगातार ये जंग एस्केलेट होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए पूरी रात अटैक चले हैं और ये अभी भी लगातार कंटिन्यू है। और दूसरी बात ये है कि जो दक्षिणी इलाका है, गाजा पट्टी से जो दक्षिणी इलाका है इसराइल का, वहां पर अभी भी गन फाइट की जानकारी मिल रही। खासतौर पर जो सेद्रोट शहर है, सेद्रोट जो एग्जैक्टली 800 मीटर की दूरी पे गाजा पट्टी के, वहां पर अभी भी होस्टेज सिचुएशन बनी हुई है। और वो भी दूसरा इलाका है, वो भी साउथ में है, वहां भी ये होस्टेज सिचुएशन बनी हुई है। और 13 कम्युनिटीज ऐसी हैं, तो ये 13 कम्युनिटीज जो है ये सारी ये गाजा स्ट्रिप से साउथ में ही, जिनको ये कहा गया है कि वो घर में ही रहें, यानी कि उनको अभी खाली नहीं, उनको अभी होस्टेज फ्री सिचुएशन वहां पर नहीं हो सकी, वहां अभी भी खतरा बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के दो चीजें, एक तो जो गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर के इलाके हैं साउथ एंड में इसराइल के अंदर, वहां पर अभी भी गनफाइट है, हॉस्टेज सिचुएशन है। दूसरी ओर इसराइल की ओर से काउंटर अटैक जो गाजा पे किया जा रहा है वो भी नोज नो बाउंड्स वाली स्थिति में है। कई सारे जो हमास के टेररिस्ट जो ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और खासतौर पर जिन रेजिडेंशियल इलाकों में उन्होंने रिफ्यूज दे रखी थी उनको भी टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। और इसी बीच जो ताजा जानकारी आ रही है इसराइल हमास जंग को लेकर के, जो बड़ी अपडेट आ रही है आपके सामने रखे हैं। इसराइल के सपोर्ट के लिए अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाया है। अमेरिका ने अपनी नेवी जहाज को रवाना किया है इसराइल के लिए, खबर मिल रही है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को भी रवाना किया गया है। और ईरान को अमेरिका का सख्त संदेश है कि मदद देनी बंद करे, क्योंकि अब मदद पहुंची है नेवी के बेड़े से इसराइल को, अमेरिका की ओर से रवाना किया गया है। जहां पर अब इस सपोर्ट को लेकर के हम ज्यादा जानकारी डिटेल लेंगे अभिषेक उपाध्याय से। अभिषेक, किस तरीके की मदद भेजी गई है, कौन कौन सी मदद भेजी गई है, जरा डिटेल्स दें। देखिए एलजी, आप एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रही हैं, उसको रवाना किया गया है, फाइटर जेट रवाना किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये मामला एस्केलेट होता है तो जो आपने ईरान को कहा है, ईरान की ओर से यूएस पूरी तरह से सतर्क है। और उसकी दो वजह है, एक तो ये है कि जिस तरह से ईरान ने हमास को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और ईरान अगर ये मामला एस्केलेट करता है तो आप समझ लीजिए कि ईरान की संभावनाएं बढ़ गई हैं, इस जंग में कूद पड़ जाएगी। तो उसको कंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी यूएस ने ले लिया। और उसकी दूसरी और वजह भी है, उसकी वजह एक बड़ी वजह यहाँ का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी खुद की सिचुएशन है। उनपे $6 बिलियन फंड करने का, ईरान के फंड में जिन्होंने दिया है, वो आरोप यहाँ पर बहुत ज्यादा गहरा गया। और यहाँ पर रिपब्लिकन की ओर से क्लियर आरोप लगाया जा रहा है कि खुद यूएस ने ही, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ही हमास को फंड किया है। तो वैसे ही काफी प्रेशर में ईरान को लेकर के, और ऐसे में उनकी पूरी कोशिश है यूएसए की कि इसराइल को मदद दी जाए, और दूसरी ओर ईरान पर पूरी तरह से ईरान को कंटेन करके रखा जाए ताकि ईरान इसमें कोई एस्केलेशन ना कर सके। बिल्कुल, क्योंकि ईरान ने शुरुआत में ही सबसे पहले हमास को बधाई दी थी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।